आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की मंगलमय कल्याणकारी जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का, अध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। भारत की जो भी कला धर्म के साथ जुड़ी थी उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था स्वयं की प्राप्ति, अपने केंद्र को खोजना, अपने स्वभाव को जानना, जीवन की गहराई में उतरना, और जो जो उतरते गए भीतर प्राप्त करते गए अपने को, अपने केंद्र को, उसने इसी जीवन में जीवन को अनेक रहस्यों से भरपूर देखा। जो दो लोक की मैं बात करता था, एक दिव्य लोक, एक प्रेत लोक, और इस बात से जानकारी होनी जरूरी है, दिव्य लोक का अर्थ है संपूर्ण प्रकाश। एक मनुष्य यात्रा करता 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 जब स्वयं को पूर्ण प्राप्त कर लेता है, अपने भीतर का एक प्रकाश है, एक सूर्य है, उसे जब पूर्ण रूप से जान लेता है, वो स्वयं प्रकाश ही हो जाता है, और आखिर में वो स्थिर हो जाता है उस दिव्य लोक में। जब तक वो पूर्ण प्रकाशित न हो, पूर्ण प्रकाश से उसका संबंध बने, तब तक अस्तित्व की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि उसे पृथ्वी पर आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती, उसे आना पड़ता है। दिव्यता प्राप्त करते हुए भी उसे आना पड़ता है, जब तक वो पूर्ण दिव्य न हो जाए, पूर्ण प्रकाश न हो जाए। ऐसा ही प्रेतलोक, प्रेतलोक का अर्थ है संपूर्ण अंधकार में। ये मैं इसलिए कहता हूं कि एक है वो परम टोच है जहां से आवागमन की प्रक्रिया, जन्म मृत्यु की प्रक्रिया जहां से नियंत्रित होती है, उसकी एक टोच है लोक की, कि जहां से आत्माएं प्रकट होती है शरीर धारण करके, और एक गहराई है जहां हम प्रेत कहते हैं, प्रेत योनि कहते हैं, या प्रेत लोक। उसका इतना ही अर्थ है कि अभी अंधकारमय है, अभी जो तरंगे हैं उसने प्रकाश को प्राप्त नहीं किया। जैसे कि कोई भी जीवन उसने प्राप्त किया, मनुष्य में जीवन प्राप्त किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका, फिर से गिर गया अंधकार में, फिर से वो जो प्रेत लोक है, अंधकार युक्त लोक है, उससे वो प्रकट होने की कोशिश करेगा। जो नृत्य कला थी, ये मैं इसलिए बात कहता हूं, जो नृत्य कला थी, शास्त्रीय नृत्य कला, भारत की सब सारी नृत्य कलाएं, जैसे जैसे मैं परिचित होने लगा, जो बहिर्गामी नृत्य कलाएं हैं भारत की, ठीक से मैं इसका धर्म के साथ संबंध खोजने में लगा, तो मुझे एक बात तो सब में समान ही लगी, और वो है, एक है किस तरह से नृत्य के माध्यम से उच्च कोटि की जो आत्माएं हैं, दिव्य लोक की जो आत्माएं हैं, उससे विधायत्मक शक्ति को प्राप्त किया जाए, और दूसरा कि जो प्रेत लोक की आत्माएं हैं, जो नकारात्मक आत्माएं हैं, उससे कैसे मनुष्य को मुक्त किया जाए, उसकी असर को कैसे कम किया जाए या पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए, साथ में जो प्रेत लोक की आत्माएं हैं उसे भी कैसे ऊपर उठाया जाए। ऐसा नहीं कि उससे भागना है, क्योंकि जो जान लेता है उसे कोई भागना है, उसके लिए कोई शुभ अशुभ जैसा है ही नहीं। जो पूर्ण दर्शन को प्राप्त हो जाता है,
हमें मनुष्य को कहां पहुंचना है, हम मंजिल भूल गए, हमें वहां पहुंचना है, हम कहां अटके रहे, हम पूरे जीवन ये होना है ये नहीं होना है, ये अस्तित्व ठीक कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, ऐसी घटना होनी चाहिए ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जीवन का कुछ साल हम इस तरह से जिए ठीक है, लेकिन पूरा जीवन हम पूरा जीवन माथा कूटते रहे कूटते रहे कूटते रहे और परमात्मा सुनता ही नहीं, वो अपनी तरह से ही चलाता है पूरा लोक, हमारा कोई सुनता ही नहीं। तो हम भूल कर रहे हैं, हम भूल क्या कर रहे हैं, हमें धीरे 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 तपश्चर्या से प्राप्त क्या करना है, वो अचल स्थिति कि कोई भी घटना हो जाए तुम भीतर से डरो भी नहीं डगो नहीं। जब तक हमें बाहर की परिस्थितियां हिलाती रहती है उसका अर्थ है अभी मन चंचल है भीतर, अभी आशाएं हैं भीतर कि इस तरह से होना चाहिए। सत्य भी हो तो इस तरह से मनुष्य इस तरह से जीता है कि परमात्मा हो तो इस तरह का होना चाहिए, ये मेरी कल्पना है। अब मेरी कल्पना एक होगी तुम्हारी दूसरी होगी, और अनेक जीव पृथ्वी पर, मैं एक थोड़ा हूं तुम एक थोड़े हो, अनेक जीव और सबकी कल्पना है सबकी धारणा है, तो सबकी धारणा के मुताबिक सत्य नहीं होता। सत्य जैसा है वैसा ही रहेगा, संपूर्ण जड़, सत्य का अर्थ है संपूर्ण जड़, क्योंकि हमारी सुनता नहीं इसलिए हम कहते हैं परमात्मा जड़ है, हमारी सुनता नहीं, हम कहते हैं कि सत्य इस तरह से होना चाहिए, वो नहीं कहता कि ना जिसे तुम कहते हो कि प्रबुद्ध व्यक्ति ठीक से अभ्यास करना। प्रबुद्धत्व का अर्थ क्या है, जो संपूर्ण दृष्टा हो गया, एक शब्द है उसके लिए दृष्टा, संपूर्ण दृष्टा, संपूर्ण मुक्त हो गया। संपूर्ण मुक्ति का अर्थ क्या है, संपूर्ण मुक्ति का अर्थ है मेरा अब कोई लेना न देना, परमात्मा जो खेल खेलना हो तू खेल, तू कहता है ये तेरे लिए शुभ है तू मेरा शुभ कर तो भी मंजूर, तू मेरा अशुभ कर तो भी मंजूर। भीतर से कोई फरियाद उठी नहीं, ऐसी स्थिति पाई अनेक मनुष्यों ने पाई, और उसका जो प्रयत्न था भारत में जो शिक्षण था, इसलिए मैं कहता हूं खाली भारत में नहीं जहां जहां भी पाई जिसने भी, लेकिन भारत में ये ज्यादातर इस बात पर जोर दिया गया कि दुख से मनुष्य को किस तरह से मुक्त किया जा सकता है, पीड़ा से मनुष्य को किस तरह से मुक्त किया जा सकता है, संताप से मनुष्य को किस तरह से मुक्त किया जा सकता है, यह भारत की खोज रही। भारत आध्यात्म का केंद्र रहा, भारत में विद्या का, विद्या की व्याख्या में बारंबार याद करवाऊंगा, भारत में कला और विद्या की व्याख्या रही, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या और कला भारत में किसे माना गया, जो सर्व संताप दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाए, वही विद्या। बाकी विद्या को करना क्या, जानकर करना क्या, चलो जीवन के इतने साल हम खो देते हैं गणित सीखने में, हम इतना भी नहीं सोचते कि हम 35 साल तक गणित सीखते रहे, हम प्रोफेसर हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए, जीवन में से दुख गया, पीड़ा गई, संताप गया, हमें प्रसन्नता मिली, आनंद मिला, शांति मिली, जीवन के रहस्य मिले, हमारे हाथ में आए, जीवन क्या है। तो इतने अंधकार में हम चले गए, देखो जहां हम केंद्र चूक जाते हैं, जहां हम जीवन का केंद्र चूक जाते तो फिर दुख पीड़ा संताप शुरू हो जाता है, और हम करते क्या है, भूल, हम उसको भुलाने की कोशिश में लग जाते। तुम जितने भी आज मनोरंजन के साधन है, या ड्रग्स एडिक्ट है लोग, या तमाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा चरस जो भी है, किस लिए, आप उन लोगों के साथ रहो तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ भुलाना चाहते। क्या भुलाना चाहते हो, दुख पीड़ा संताप, व्यक्ति और परिस्थिति दोनों को हम भुलाना चाहते। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया, समझ लो कि एक लड़की से मैंने प्रेम किया, वो भाग गई, वो मेरे साथ न रही, चली गई, मेरे भीतर लगा धक्का, दुख लगा। अब मेरे लिए दो रास्ता है, या तो मैं दुख पार कर लू, या मैं दुख को भुलाने में लग जाऊं। तो दुख के भुलाने के आप अनेक साधन है इस पृथ्वी पर, देखो अनेक साधन। और भारत था कि उसने कहा कि ना दुख को भुलाना है ही नहीं, दुख भुलाने से मिटता नहीं और गहरा चला जाएगा, और तुम जितना दुख में से पसारोगे
दूसरी परिस्थिति तुम्हें उतनी नहीं हिलाएगी। मैं मेरे जीवन से कहता हूं, एक परिस्थिति अगर तुम्हें हिला रही है, तुम्हें दुखी लगती है, पीड़ाजनक लगती है, संतापजनक लगती है, अगर ठीक से तुमने पार किया, पूरा 100% कुछ भी बाकी नहीं, उस परिस्थिति को पूरा तुमने पार किया, दूसरी परिस्थिति उतना तुम्हें हिला नहीं सकेगी, दूसरा दुख उतना तुम्हें हिला नहीं सकेगा, तीसरी घटना में तुम संपूर्ण मुक्त हो भी सकते हो। हम किस तरह से जीवन की घटना को लेते और पूरा दिन हमारे पास है। जीवन का शिक्षण ऐसा थोड़ा है कि तुम्हें स्कूल में जाना पड़ेगा। मैं ये पुनराफित उसे पुनरोद्धार करता हूं, उस शिक्षण को, उस दृष्टि को पुनरोद्धार देता हूं कि जीवन का शिक्षण, जीवन स्वयं सिलेबस, जीवन की हर घटना सिलेबस। हमें जो काम करना है इस जगह पर, इस जगह से जो हमें जिस तरह से विद्या को प्राप्त करना है, सब साधकों को यह समझना है, जो विद्यार्थी यहां मैं चुन लूं कि हां तुम रह सकते हो काम करने के लिए, उसे काम क्या करना है, जीवन की हर छोटी मोटी घटनाओं को तुम आईने की तरह लो कि ये व्यक्ति, ये परिस्थिति, चलो पीड़ा आई, शरीर की पीड़ा आई, शरीर में, शरीर को ताव आया, किडनी की तकलीफ हो गई, सर में दर्द आ गया, कान दुखने लगा, दांत दुखने लगा, तो अब ये हाथ से दुखावा जाने नहीं देना है। हम जीवन में करते क्या है, जब भी दुख प्रकट होता है हम दुख को भुलाने में लगते हैं। आज का पूरा मेडिकल साइंस, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस मनुष्य की सुसुप्ति के साथ उसका संबंध है। देखो आप ठीक से, आज की दवाइयां करती क्या है, आप डॉक्टरों से भी पूछ लो कि ये बात मैं जो कह रहा हूं वो सच है कि गलत है। दवाइयां तुम्हें सुलाती है, तुम जो पेन का अनुभव करते हो, तुम जो पीड़ा का अनुभव करते हो, उसे कट ऑफ करती है, वो तुम्हारे तक पीड़ा को आने नहीं देती, या तुम्हें सुला देती है, या जो नर्स तुम्हें, तुम्हारा जो सेंटर है जहां तुम्हें पता चले मगज का जो सेंटर है कि यहां पीड़ा हो रही है, तो एनाल्जेसिक ड्रग करेगा क्या, वो बीच से वो जो सेंसेशन तुम्हारे केंद्र की ओर आ रहा है उसे कट कर देगा। अब जैसे जैसे तुम जागते जाओगे, समझते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने को नष्ट कर रहे हो। जब मैं स्वास्थ्य का विज्ञान लूंगा और गहराई में ले जाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हम जो लगे हैं वो किस में लगे हैं, दुख को भुलाने में लगे, पीड़ा को भुलाने में लगे। और तुम मनुष्य को ठीक से देखो, जो भी यहां अभ्यास हुए, सत्य की खोज में जो निकला है, सबके लिए सत्य एक है, अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि जैन का सत्य कोई अलग है, मुस्लिम का सत्य कोई अलग है, हिंदू का सत्य कोई अलग है, कभी नहीं, सत्य एक ही। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तो हमारे वाड़े हैं। ऐसा थोड़ा है कि मुस्लिम है उसे सर्दी नहीं होती, उसे ताव नहीं होता, वो बीमार नहीं पड़ता, उसे किडनी की तकलीफ नहीं होती, उसे मृत्यु नहीं खाएगी। ऐसा थोड़ा है कि तुम जैन हो तो तुम्हारे पास यमराज नहीं आएगा, कि तुम वड़ा प्रधान हो गए तो बस अब तुम्हारे पास यमराज नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा है। जीवन का सत्य सबके लिए एक है। तो जैसे जैसे तुम जागते जाओगे, जानते जाओगे, अपने को, अपना जीवन खोजने में लगोगे, और मनुष्य जिस दिन जागता जाएगा ये मेडिकल साइंस नहीं रहेगा। मैं तुम्हें कहता हूं, जब भारत में एक समय था, आप पूरा आयुर्वेद का अर्थ गठन गलत हो रहा है, क्योंकि बीमार लोगों के हाथ में आयुर्वेद आ गया, तुम्हारा पूरा का पूरा मेडिकल साइंस है वो बीमारी की खोज है। देखो तुम ठीक से समझो, जो मुझे समझ सकते हैं वो समझो ठीक से, जो इतने साल तुम बिगाड़ते हो MD MS वो सारे किस में जा रहे हैं कि बीमारी क्या है। ना, तुम गलत कर रहे हैं। हमें जानना है स्वास्थ्य क्या है। हम पूरा जन्म हमारा बिगड़, पूरा जन्म हम बिगाड़ देते हैं बीमारी, बीमारी का इलाज, बीमारी, और किसकी बीमारी, मिटी, कभी मिटेगी नहीं। तुम योग से 1000 डायबिटीज की ट्राई कर, वो कभी नहीं मिटेगा, योग इसके लिए है ही नहीं। चलो तुम्हारा थोड़े दिन चलेगा, फेफड़ा ठीक होगा, आगे फिर वही गाड़ी वहां गिरेगी, क्योंकि शरीर है, शरीर से कभी तुम अजरा अमर स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ये भी कहता हूं, योग में ऐसे प्रयोग हुए कि जिससे उम्र लंबाई जा सकती है, ये लोभ की बात है, फिर भी मैं कहता हूं कि योग में ऐसी कला थी भारत में कि आप चाहो उतने तक जी सकता है शरीर। लेकिन ये भी समझना, ये सिद्धि है, जब तुम साधना करते हो अनेक प्रकार की सिद्धि तुम प्राप्त कर सकते हो, जैसे बहिर सिद्धि ऐसे अंतर सिद्धि। समझ लो कि एक
व्यक्ति है ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है कि फूंक मारे हवा में और अग्नि जला दे, लेकिन उससे क्या, यह सिद्धि है। और सिद्धि समझ लो कि कोई एमडी हो गया, एमएस हो गया, बाहर की सिद्धि है। किसी ने पहलवान हो गया, चलो कुश्ती में सबको हराता है, एक दिन ब्रुसली का समय था, चलो कराटे में उसका नाम था, ब्रुसली रहा, उसका शरीर रहा। तो बाहर की जैसे सिद्धि है उससे तुम्हारे दुख मिटते नहीं। तुम जिसे सिद्धि कहते हो कि ये सिद्धात्मा है, ये सिद्धि को उसे प्राप्त है, तुम उसके साथ रह जाओ, चलो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि वो दुखी होगा, वो पीड़ित ही होगा, संतापित ही होगा, अगर उसने अपने को जाना नहीं है तो। अगर वो सिद्धि में अटका है तो वो दुख में होगा ही, तो कोई सिद्धि तुम्हें कहां पहुंचा नहीं सकती। देखो कितने सिद्ध हुए चलो इस पृथ्वी पर, लेकिन कोई सिद्धि से, चाहे वो बाहर की सिद्धि हो चाहे वो अंतर की सिद्धि, जब तक तुम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी अवस्था? उस अचल अवस्था। हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं याद दिला दूं, तपश्चर्या का लक्ष्य क्या है। तपश्चर्या तुम कोई भी करते हो, तपश्चर्या का लक्ष्य बाहर की परिस्थिति, बाहर की व्यक्ति जो हमें हिला जाती है भीतर से, वो न हिला सके, हम वो अचल पद प्राप्त कर ले, हमारे भीतर वो शक्ति को प्राप्त कर ले, आत्मा की शक्ति, दृष्टा की शक्ति, ऐसी शक्ति को प्राप्त कर ले, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ले, हमारा स्वभाव प्राप्त कर ले, तो बाहर की कोई परिस्थिति से हमारा कोई लेना न देना। तो जो जिस मनुष्य ने ऐसी स्थिति पाई उसे नाम दिया गया, कभी एक समय था जब शंकर शिव हो गए, जिस तरह से रजनीश ओशो हो गए, नाम ही बदल जाता है खाली व्यक्ति का, या गौतम बुद्ध हो गए, ये नाम है, गौतम नाम था शरीर का, जब उसने जाना नहीं था, जब मन में था, पीड़ा में था गौतम, जब राजमहल में था तभी आनंद तो वहां का वहां ही था, आत्मा का, लेकिन वो अपरिचित था अपने से, अपने स्वभाव से। क्यों? उसने जब ज्ञान प्राप्त किया तब उसने कहा कि ना राजमहल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जो और लोग आए उसमें से उसने बहुत लोगों को कहा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम जाओ वहां विपश्यना का अभ्यास कर सकते हो, तुम दुकान भी चला सकते हो और साथ में सांस भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम खेतीबाड़ी भी करते जाओ, बड़द को चलाते जाओ, भीतर सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया को देखते जाओ, तुम प्रबुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो स्थिति है, जब गौतम ने अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो वो बुद्ध हो गया, बुद्ध का अर्थ है ज्योति प्रकट हो गई भीतर आत्मा की, इस तरह से नाम था पुराना, जैसे कि शंकर शिवत्व को प्राप्त किया, परम विस्तार को प्राप्त कर लिया। तो ठीक से आप देखना कि शिवत्व में क्या हुआ, बुद्धत्व में क्या हुआ, भीतर से फरियाद न रही, जैसी भी घटना बन रही है बन रही है, तुम्हारा न लेना न देना, भीतर से कोई फरियाद न उठी कि नहीं अगर मैं मुझे कोई जहर दे रहा है तो भीतर से वही स्वीकार भाव, कोई फर्क न पड़ा। देखो जीसस को कि उसे सूली पर लटकाया गया तो थोड़ा जीसस में से गालियां निकली, कि जीसस में से ऐसे वचन निकले कि साले सबको नष्ट कर दो जो मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं। यह भी स्थिति है प्रबुद्धत्व की, कि जिस जो अवकाश ही हो गया, समझ लो कि यहां मैं पत्थर, या इस जगह में जहां अवकाश है मैं पत्थर मारूं या खिला खोड़ू क्या फर्क पड़ सकता है। इसी तरह से भीतर से मनुष्य ऐसी अवस्था प्राप्त करता है, कर सकता है, ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है जहां कोई परिस्थिति और व्यक्ति का दुख तुम्हें असर नहीं करता। ये बात हम भूल गए, जीवन में हम भूल क्या गए, जीवन में हम जीवन भर हम लड़ाई करते रहे करते रहे करते रहे, परिस्थितियों के साथ, व्यक्तियों के साथ हम दोषारोपण करते रहे कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, इस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे दगा दिया, धंधा में इतना रुपया खा गया। लेकिन हम जो चूक जाते हैं वो ये चूक जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है और ये तो संसार नाटक चलता ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कितना ही लड़ो ये इस तरह से ही जाएगा संसार। फर्क किसके साथ हो सकता है? फर्क व्यक्तिगत हो सकता है। तुम अगर तुम्हारे भीतर की वो स्थिति प्राप्त कर लो तो वही का वही संसार तुम्हारे लिए नाटक हो जाएगा कि ऐसा जिसने जाना उसने कहा यह संसार लीला है,
लीला का अर्थ है नाटक, चलता रहता है। और आप अपने को ही देखना कि हम जो बैठते हैं उठते हैं, चलो मैं तो साधक को पूछूंगा, संसारियों की तो बात ही नहीं। हम बैठते हैं बोलते हैं उठते हैं, चलो कितनी बात में हमारा होश है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन सा वाक्य हमें बोलना है, क्या कहना है, किस तरह से बैठना है उठना है, क्या करना है, किसके लिए हम साधना कर रहे हैं। चलो ठीक से देखो, क्या तुम हर प्रक्रिया में तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम जो प्रक्रिया कर रहे हो वो तुम्हें पता है कि ये प्रक्रिया मैं कर रहा हूं। मैं बर्तन साफ कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं बर्तन साफ कर रहा हूं या मैं खोया हुआ हूं। तो हम इस तरह से जीवन जीते हैं और फिर सब स्वप्न में है, एक एक जीव एक एक मनुष्य अपेक्षा में। कौन सी अपेक्षा है, ठीक से देखो, हमारी अपेक्षा है कि बाहर से कुछ मुझे मिल जाए। बाहर से तुम्हें क्या मिल सकता है, देखो इतने मनुष्य जो काम कर रहे हैं, तो हमारे आसपास जितने भी मनुष्य काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक से पीछा करो कि किस लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें सुख मिल जाए, और जब सुख मिलता है तुम्हें लगता है ना ये नहीं, अभी इससे बड़ा इससे ज्यादा चाहिए मुझे। देखो किस तरह से मन का लोभ काम करता है। हम पूरा जीवन, जब तक तुम इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन इस तरह से समाप्त हो जाएगा और आखिर में तुम अंधकार में खो जाओगे। तो नृत्य कला का एक उद्देश्य यह था कि जो परम चेतनाएं हैं उसके साथ कैसे संपर्क बनाया जाए, इसका क्या कोई समय है, इसकी क्या कोई विधि है कि जिससे हम रचनात्मक शक्ति है, क्रिया जो क्रिया पैदा करती है, जो शक्ति वो दोनों प्रकार की क्रिया पैदा कर सकती है, एक सहारात्मक क्रिया भी हो सकती है जिसके परिणाम किसी को हम नष्ट कर दे, किसी को नुकसान पहुंचा दे, ऐसे कर्म भी हम कर सकते हैं, और एक कर्म है जो हम दूसरों का भला कर सके, हम अपने को भी ऊपर उठा सके औरों को भी ऊपर उठा सके। तो नृत्य कला का एक उद्देश्य था कि ऐसे जो दिव्यात्माएं हैं, दिव्य लोक की आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उसके साथ संपर्क मनुष्य का कैसे हो, और जो नकारात्मक आत्माएं हैं उससे कैसे ऊपर उठाया जाए। मैं जब गांधीनगर गया तो एक घटना ऐसी हुई कि हम लोग, मैं मुझसे बड़ा भाई और मेरी माँ, हम तीन ही थे, सरकारी क्वार्टर्स ही थे, तो एक क्वार्टर मेरे भाई को अलॉट हुआ तो हम उधर रहने गए, दो रूम और किचन था गांधीनगर में। हम जब उधर गए तो मुझे एक बात का पता चला, पड़ोसियों ने बताया कि हमारे पहले जो यहाँ एक युगल रहता था, गृहस्थी था, दो थे पति पत्नी, इसमें से पत्नी ने यहाँ आत्महत्या की, जो जगह थी उस पर। और फिर मैंने देखा तो जगह में भी ऐसा था कि अभी धुआं भी, क्योंकि वो घटना कुछ दिन पहले ही हुई थी उस जगह पर, तो अभी जो काले उसके जो दाग थे भींत पर वो भी अभी थे, वॉल पर भी कई कई उसके जो जलकर जो भागी होगी स्त्री तो उसके भींत पर भी उसके निशान थे, अभी मैंने बाद में देखा, लेकिन मैंने ये बात कही नहीं। फिर तो धीरे धीरे मेरी माँ को भी पता चल गया, उसने भी पड़ोसियों ने बताया, और वो भी डरे ऐसी नहीं थी ऐसी बातों से, और मेरा भैया तो मुझ पर ही छोड़ देता कि तू क्या करता है या तू क्या कहता है, क्या करना चाहिए हमें, और मैं क्या उस वक्त उसी अभ्यास में था कि चलो कोई नया घर है उसमें हम जाते हैं, उसमें कोई ऐसी घटना हो गई है तो क्या करना है, ऐसी घटना अगर हो गई है तो सब बताते हैं अशुभ है, उसका जीव यहाँ घूमता रहता है, उसने इस तरह से, क्योंकि वो वहाँ ही जलकर मरी थी उसी, और बाकी फिर कोई गया नहीं था, डायरेक्ट हमें अलॉट हो गया वो मकान, हम तीन गए। उसी संध्या ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि जो स्ट्रीट थी शेरी थी वो ऊपर का घर था, ऊपर का मैंने देखा तो एक कुत्ते की लाश पड़ी थी उधर, और कुत्ता कोई ऐसा नहीं कि वो बड़ा हो, युवान कुत्ता था, उसकी लाश पड़ी,
मैंने और थोड़े आगे देखा तो एक दूसरे कुत्ते की लाश पड़ी थी, पीछे एक मैदान था। तो मेरी नजर जहां तक जाए मैं देखूं तो एक के बाद दूसरा कुत्ता मरा हुआ, उससे थोड़ा आगे देखूं तो तीसरा कुत्ता मरा हुआ, ऐसे 5 से 7 लाश कुत्तों की एक के बाद एक के बाद एक। और वो जो हमारा क्वार्टर था वहीं से उस कुत्ते की लाश प्रारंभ होती थी और इस तरह से ये लाशें पड़ी हुई थी। तो हम तो उधर, मैं कोई, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसी थी, उसने उसको ऐसे अनुभव थे, लेकिन उसे उसने कभी भी उसे प्राधान्य दिया ही नहीं। भूत प्रेत के अनुभव से, उसे भूत प्रेत के अनुभव हो तो भी उसने कभी बच्चों में डर डाला नहीं, या तो उसे कभी कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं। वो कहती थी बस तुम शुद्धता से जियो, खाली तुम स्वच्छ हो जाओ भीतर से, हम अच्छा काम करें तो हमें अच्छी आत्माएं भी होती है, अच्छी शक्ति होती है, वो हमें आगे ले जाती है। लेकिन मैं जब इस पर काम करता था तब जो मैं संपर्क में आया, अचानक एक रात ऐसा हो गया, अचानक, ये बाद में, और ये घटना हो जाती है जैसे जैसे आप काम करते जाते हो। मैं जो संपर्क में आया वो इस तरह की, जो दोनों आत्माओं का संगम स्थान होता है, जो मैं कल बता रहा था आपको कि जब कोई भी नहीं संभोग की ओर जाते हैं तो जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं उसका जो लोक है कि जो तैयार होती है आत्माएं जो प्रविष्ट करने के लिए तैयार होती है, तो ऐसा जो लोक है उसके संपर्क में रहा उस रात में कुछ घंटों, उसी लोक के साथ मेरा संपर्क रहा। उसमें ऐसी आत्माएं होती है जो मैं कल बता रहा था, जैसे कि धुआं हो, आगे मुख होता है और पीछे पूंछड़ी जैसा शरीर होता है, इस तरह से वो तैरती रहती है, और वो भीतर का लोक है। जिस तरह से ये बाहर का हम कहते हैं कि सूर्य है, चंद्र है, या बाहर के लोक है, ये पृथ्वी है, इस तरह से जैसे बाहर का भौतिक विस्तार है, इसी तरह से भीतर का सूक्ष्म विस्तार है। तो जिसमें ये दोनों लोक की आत्माओं का आवन जावन रहता है, एक तो जो दिव्य आत्माएं है वो भी प्रकट होने के लिए इसी लोक से गुजरना पड़ता है, और एक जो है वो प्रेतात्मा है कि जो अभी भटक रही है आत्मा, उसका विद्युत, अगर ठीक से उसका विद्युत का अभ्यास किया जाए, और जैसे 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 मनुष्य आगे बढ़ता जाएगा और आध्यात्मिक विज्ञान जो कभी भारत में था उस विज्ञान को पूर्ण रूप मिलता जाएगा, तो पता चलता जाएगा कि समझ लो कि जिसकी एक्सीडेंट हो गई तो उसकी जो विद्युत होती है, जन्म लेने की जो विद्युत होती है, वो ठीक से उसका स्वरूप, अगर धुआं वाला आप स्वरूप देखो कि आगे मुंह होता है और पीछे पूंछ जैसा शरीर होता है धुआं का, वो खंडित लगेगा, क्योंकि उसका शरीर बीच से कटता है, उसे पूरी तरह से उसका जन्म पार नहीं किया है, बीच से खंडित कर दिया गया। समझ लो कि किसी का मर्डर हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, और वो भी प्रक्रियाएं ऐसे नहीं होती, अपने आप होती है ऐसा नहीं, उसका भी बहुत गहरा संबंध होता है। एक्सीडेंट एक दिन में नहीं होता, समझ लो। जब मैं आध्यात्मिक विज्ञान लूंगा इसमें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, लेकिन एक दिन में एक्सीडेंट नहीं होता, एक दिन में मृत्यु भी नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, मर्डर नहीं होता। उसके पहले समझ लो कि एक मर्डर करने जा रहा है, एक व्यक्ति के भीतर प्लान चल रहा है कि मुझे मर्डर करना है, पहले तो ये भाव को ही समझ लो कि ये जो भाव आता है वो मैं इसलिए ये दो लोक से आपको परिचित कर रहा हूं कि ये दो लोक की आत्माएं जो महत्तम गहराई और महत्तम ऊंचाई उसके संपर्क में हम आते रहते हैं, इसके बीच में भी बहुत से ऐसे लोक हैं, लेकिन ये महत्तम ऊंचाई वाला, एक महत्तम नीचाई वाला। तो समझ लो कि एक व्यक्ति को ऐसा भाव आता है कि मुझे मर्डर करना है, वो ऐसे ही नहीं आता, वो ऐसी कोई आत्मा हमें पकड़ लेती है और हम अपने को जानते ही नहीं। किसके 3 बात पर ध्यान देना जरूरी है अब इस पृथ्वी पर, तुम 3 बातों से परिचित होना जरूरी है, विचार, भाव, शरीर की संवेदना। तुम्हारे भीतर शरीर की संवेदना कैसी है, इस तरह से तुम्हारे भीतर भाव बनते हैं, जिस तरह से भाव बनते हैं इस तरह से विचार बनता है। अब समझ लो आज हो क्या रहा है,
कि रात का जो समय है जिसमें शरीर को ठीक से आराम करवाना चाहिए, और खास तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो साधक है जिसको अब समय मिल रहा है, तो उसका मैं खास ध्यान ले जाऊँगा कि 10 से 2, 10 से 3 ये आपके शरीर के विश्राम के लिए उत्तम समय है। बाकी जब आप अपना अभ्यास करते जाओ तो सबका समय बदल सकता है। मैं नहीं कहता कि यही समय आपके लिए हो सकता है, लेकिन जो मैंने महत्तम काम किया उसमें से जो मैं समय चुनता हूँ, तो 10 से 3 शरीर का विश्राम लेना है तो 10 से 3 में ले लो। 3 के बाद जो समय है, 3 से लेकर सूर्योदय, ये बहुत उत्तम समय है जिसमें आप दिव्य लोक का संपर्क करना सरल हो जाता है साधना में, कि जो आत्माएं घूमती रहती है, दिव्य लोक की आत्माएं, जो रचनात्मक आत्माएं जिससे हम रचनात्मक प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं या दिव्य प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, उच्च कोटि की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, वो इस समय में ज़्यादा होती है, या संध्या समय। लेकिन संध्या समय में क्या हो जाता है कि हमारा शरीर थक जाता है, तो जब थका हुआ शरीर है लेकिन जब संध्या होती है तब भी ये आत्माओं की आवन जावन महत्तम हो जाती है, दोनों की, प्रेतलोक की भी और दिव्यात्माओं की भी। तो इसमें अगर प्रार्थनाएं बताई गई या पूजाएं बताई गई या ध्यान की विधियाएं बताई गई, तो इसका कारण एक ही था कि दिव्य आत्माओं से, जो रचनात्मक आत्मा है उससे हमारा संपर्क बन सके, और जो गिरी हुई आत्माएं, जो रोगिष्ट आत्माएं हैं, जो प्रेतात्मा योनि की आत्माएं, मनुष्य को अंधकार में ले जाने वाली प्रेरणा है, उससे हमारा संबंध कट सके, हम उसे भी ऊपर ला सके। अगर समझ लो कि आप ध्यान में 1 घंटा बैठते हो तो जिस तरह से आपका संपर्क दिव्यात्मा से होता है, आप उच्च कोटि की प्रेरणा प्राप्त करते हो, उसी समय जो नीची कोटि की आत्मा है उससे भी धक्का लगता है। कोई अंधकार में रहना नहीं चाहता, समझ लो ये बात। कोई प्रेत से घबराने की जरूरत नहीं। प्रेत का अर्थ है वो अभी दुख पीड़ा संताप में पड़ा है। मैंने जो भी अनुभव किया ये मैं आपको बताऊंगा कि दुख पीड़ा और संताप के सिवा कुछ भी नहीं। प्रेतलोक में क्या होगा, भटकती आत्माएं, चिंता से ग्रस्त उबलती हुई आत्माएं भीतर से, कि अभी कुछ करना है लेकिन मार्ग नहीं मिलता, अंधकार में भटकती रहती, वो आत्माएं पकड़ लेती है। आज के युग में 3 बात से परिचित होना सब साधक के लिए बहुत जरूरी, आगे मैं बताऊंगा क्यों। एक विचार, तुम विचार को ठीक से देखो कि कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा भाव, कौन सी शरीर की संवेदनाएं चल रही है, क्योंकि तुम्हारी शरीर की संवेदनाएं अगर बीमार है तो तुम बीमार आत्माओं खींचेगी तुम्हारी ओर, तुम और बीमार होते जाओगे। अगर तुम्हारे भीतर एक भी क्रोध का भाव है, क्रोध का भाव, तुमने ठीक से जाना नहीं क्रोध के भाव को, तो जो नीची आत्माएं हैं, प्रेत योनि की आत्माएं, वो तुम्हारी ओर खींचेगी। जैसे जैसे ये विज्ञान ठीक से स्वरूप पकड़ेगा तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि एक व्यक्ति से मर्डर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति चोरी करती है तो खाली उसका दोष नहीं है, सबकी भावनाएं, वो वीक है, वो कमजोर है, उसके आत्मा कमजोर है, भीतर का दिया कमजोर है, तो आत्मिक तरंगे, जो निकृष्ट कोटि की जो आत्माएं हैं उसकी जो तरंगे उसे घेर लेती है और प्रगाढ़ होती जाती है, वो बादल प्रगाढ़ होता जाता है आपके भीतर, प्रगाढ़ अंधकार एकदम छाता जाता है, तब आपके भीतर प्रगाढ़ इच्छा होती है मर्डर की, तब मर्डर होता है। एक दिन में मर्डर होता नहीं। जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक से आप उसका अभ्यास करना, एक्सीडेंट एक दिन में नहीं होता। एक्सीडेंट इस तरह से होता है, समझ लो कि एक समुदाय में 4 लोग रहते हैं, अब रोज सुबह से लेकर शाम तक भीतर झगड़ा 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 झगड़ा, भीतर पूरे दिन झगड़ा का वातावरण, झगड़ा का, द्वेष का वातावरण, एक दूसरे को प्रति नफरत का वातावरण बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है।
अब जब ऐसा वातावरण होता है तो निकृष्ट आत्माएं खींचती है, उस दिशा में खींचती है। जिस तरह से हम गंदगी रखते हैं, आप समझ सकते हो, जिस तरह से हम किचन में प्रसाद मंदिर में आप गंदगी रखो तो वंदा, कॉकरोच, कंसारी, ऐसे ऐसे नीची कोटि की जो जीव है प्रकट हो जाएंगे रात को। उसी तरह अगर आपका घर का वातावरण योग्य नहीं, आप पूरे दिन ऐसे ही काम में लगे हुए हैं, नफरत, या समझ लो कि किसी को कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसी की बातें चल, पूरे दिन आप उसी ऐसे नफरत वाला, क्रोध वाला, घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या वाला वातावरण है, अंधकारमय वातावरण, निकृष्ट आत्माएं खींचती जाएगी। आपकी ओरा है, आपके आसपास एक विद्युत है, वो विद्युत काले धुआं से गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती, और फिर आखिर में इतनी महत्तम हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, अपमृत्यु हो जाएगी। फिर से वो आत्मा निकृष्ट योनि की ओर जाएगी, खींच जाएगी, नीचे की आत्माएं उसे प्रेत लोक में खींच जाएगी, क्योंकि विद्युत जब एक्सीडेंट होता है तब जागृत नहीं होता व्यक्ति, जागृत हो उससे पहले उसकी विद्युत कट हो जाती है, तो पूरी विद्युत बिखर जाती है। तो मैंने जो दर्शन किया अलग अलग प्रकार के अशरीरी जीवों का, वो इस तरह का था कि जिसमें कुछ ऐसी आत्माएं थी कि जो पूर्ण रूप से प्रकट हो, पूर्ण उसका चेहरा का भाग पूरा धुआं है, वो पूरा प्रकट प्रकाशित, पीछे का शरीर भी पूरा प्रकाशित पूर्ण रूप से। तो ऐसी आत्माएं जब प्रकट होगी वो रचनात्मक होगी। और एक एक जो मैंने धुआं देखा वो इस तरह का धुआं था जिसमें चेहरा हो तो वो आधा चेहरा है, उसमें कुछ जगह स्पॉट है, समझ लो कि कहीं खंडित है, पूरा शरीर ठीक से बना नहीं, उसकी विद्युत ठीक से बनी नहीं। तो अगर इस तरह कि कोई विद्युत माता के शरीर में आ जाएगी और वो अगर जन्म लेगी तो वो या तो खोड़ खापड़ वाली होगी या उसका मानसिक विकास ठीक नहीं होगा, अगर होगा तो वो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार की भावनाओं के साथ उसका जन्म होगा और ईर्ष्या तिरस्कार वाले कर्म की ओर जाएगी। तो जिसने ये जाना उसको ये उसको लगा कि जो मनुष्य अभी इस बात से परिचित नहीं, ये तो समझ लो मैं तुम्हें शाब्दिक रूप से परिचित करता हूं, इसीलिए परिचित करता हूं कि ताकि जो लोग इस दिशा में समझने जा रहे हैं वो इस बात से ठीक से परिचित होने चाहिए कि इस तरह की दोनों आत्माओं के प्रभाव में हम आते हैं। और जैसे आप समझ लो कि आपने विचार देखा, जैसे आपने विचार देखा, विचार और आपके बीच अंतर हो गया, जैसे आपने भाव को देखा, भाव और आपके बीच अंतर हुआ, जैसे आपने शरीर की संवेदना को देखा, एक क्षण मात्र क्यों ना हो, लेकिन एक क्षण मात्र के लिए जो निकृष्ट आत्मा है, जो नीचे योनि की आत्मा है, उससे संबंध कट हो जाता है एक क्षण के लिए, और ऊपर की आत्मा है एक क्षण के लिए उससे संबंध हो जाता है एक क्षण के लिए, फिर भी बहुत फर्क हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है कि तुम एक क्षण के लिए विचार को देखते हो तो वो प्रकाश के साथ संबंधित है, तुम जानते हो न जानते हो, लेकिन ये तीसरे नेत्र का प्रकाश है कि तुम एक क्षण के लिए भी विचार को देख सके, एक क्षण के लिए भी तुम भाव को देख सके। अब एक क्षण के लिए भी तुमने तीसरे नेत्र का, तीसरा नेत्र ऊपर गुरुत्वाकर्षण से ऊपर अगर तुमने संपर्क किया तो तुम जाने अनजाने दिव्य आत्माओं के साथ जुड़ जाओगे, और वो तो तैयार ही है, वो तो सदा तैयार है। समझ लो कि जो आज साधक है सत्य की ओर काम कर रहा है, उसका शरीर छूट जाता है, क्या करेगा वो, जब तक दूसरा जन्म नहीं मिलेगा शरीर का रूप धारण नहीं कर सकता, तब तक अशरीरी भी ऐसे जीव है इस पृथ्वी पर कि जो जिस तरह से हम शरीर से काम करते हैं कि चलो शरीर से हम काम करते हैं कि इस तरह से हमें ऐसा ध्यान का कक्ष बनाना है या ध्यान का केंद्र बनाना है या ऐसा मंदिर बनाना है या ऐसी मस्जिद बनानी है या ऐसा गुरुद्वारा बनाना है या चर्च बनाना है, इस तरह से हम काम करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं कि चलो मनुष्य को किस तरह से ऊपर उठाया जा सके, इस तरह का हम काम करते हैं, तो इसमें खाली भौतिक शरीर का ही काम नहीं है। जैसे जैसे जो लोग परिचित हो गए होते गए उसे पता चलता है कि जो हम काम कर सकते हैं वो तो खाली 1% ही, बाहर से जो हम काम करते हैं वो तो खाली 1% ही,
बाकी का जो काम होता है 99% जो काम है वो तो अशरीरी आत्माओं का काम है, ऐसी रचनात्मक आत्माएं कि जब जैसे कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे तो दिव्य आत्माएं भी इतनी है, इसकी कोई कमी नहीं। कमी क्या है हम जानते नहीं, ये बात हम चुक जाते। तो ये बात आप ठीक से समझ सकते हो कि नीचे गिरना हो तो उसमें कुछ करना ही नहीं, पहाड़ के नीचे गिरना हो आप कुछ ना करो, खाली टोच के ऊपर खड़ा रह के थोड़ा सा इम्बेलेंस करो आप नीचे गिर जाओ। लेकिन समझ लो पहाड़ चढ़ना हो कितना समय लगता है, अगर एवरेस्ट चढ़ना हो कितना समय लगता है। तो हम ये बात चुक गए कि ऊपर की आत्मा दिव्यात्मा है वो उतनी ही प्रगाढ़ है, उसके आगे प्रेत लोग कुछ भी नहीं। और प्रेत लोग को भी जो आत्माएं फंस गई है उसे भी उसमें से निकालना है, ये काम है, ये साधक का काम है, जैसे सन्यासी का काम है। जो ज्ञान को प्राप्त करेगा करेगा क्या, ज्ञान को प्राप्त करके करेगा क्या, वो सब कुछ हेल्प करेगा, मदद करेगा कि कौन कहां अटका हुआ है वहां से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो उसका असर प्रेतात्मा है उसकी भी गति होती जाती है, उसकी भी वो भी निकलती जाती है, उसकी विद्युत ठीक होती जाती है। जैसे आप स्वस्थ होते जाते हो तो आपकी विद्युत जो नकारात्मक आत्माएं है उस पर भी आ सकती है। जिस तरह से नकारात्मक आत्माएं हमें हैरान करती है उससे उल्टी में बात को तुम नकारात्मक आत्माओं को मदद कर सकते हो साधना के माध्यम से कि तुम जैसे स्वस्थ होगे नकारात्मक आत्माएं के साथ संपर्क टूट जाएगा, तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, वो स्वस्थ होने की कोशिश करेगी, वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। तुम्हें ध्यान में भूत प्रेत का अनुभव हो तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं, खींचती है। जब तुम्हारे भीतर अवकाश होता है तो ऐसी आत्माएं खींचती है। लेकिन इससे तुम्हें परिचित होना इसलिए जरूरी है कि समझ लो कि तुम साधना कर रहे हो और तुम्हें क्रोध आ रहा है तो तुम संभलना कि ये क्रोध सच में तुम्हारा सप्रेस किया हुआ क्रोध है या कहीं और से आ रहा है। और जैसे जैसे तुम इस बात से परिचित होते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम जैसे ध्यान में जाते हो प्रार्थना में जाते हो सब तरह की आत्माएं तुम्हारे और खींचती। नृत्य कला की जो एक प्रक्रिया थी उसमें प्रक्रिया ही यही थी कि जब नृत्य कला प्रकट होती थी, भारत की बात कर रहा हूं मैं डिस्को क्लब की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी उससे उल्टी है, समझना इस बात को। डिस्को क्लब के डांस है जो वो तुम्हें जोड़ेंगे प्रेतात्माओं के साथ, क्या इसका प्रमाण है तुम जरा रहना। जो क्लब में जाते हो दारू पीने जाते हो रहो तुम, मैं तो छूट देता हूं, मेरे तो विद्यार्थी, मैं तो विश्वविद्यालय की स्थापना ही इसलिए कर रहा हूं, मैं तुम्हें वाड़ा में बंद देखना चाहता ही नहीं कि ये हिंदू का सन्यासी, मेरे पास बात ही मत करना कि तुम ओशो के सन्यासी हो या बुद्ध के सन्यासी। मैं वस्त्र भी पहनने देता हूं ये मरून गाउन, ये कुछ समय तक मैं उससे तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूं कि तुम मेरे सत्य के विद्यार्थी, तुम जाओ। जो क्लब में जा रहे ज्यादा से ज्यादा लोग, जब तुम अमेरिका जाओ तुम इनकार मत करना, कोई तुम्हें क्लब में ले जाए तुम जाओ, मेरे विद्यार्थी इनकार मत करना। अगर तुम्हें चांस मिले कि जहां लोग दारू पीने जा रहे हैं क्या कर रहे हैं दारू पी, चलो उसका संबंध बनता किससे, जाओ तुम दारू के पिट्ठों में किसके साथ संबंध बनता है, उसका चेहरा देखो ठीक से, उसके साथ रहो, उसका संबंध बनता है प्रेत योनि से। देखो धर्म में जो हम कहते हैं, धर्म गुरु कहते कहते मर जाते कि दारू मत पियो, ये मत करो, जुआ मत खेलो, क्यों चरस मत खाओ, गांजा मत खाओ, क्यों? इसीलिए कि जैसे 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 तुम बेहोशी की ओर जाओगे तुम्हारा संबंध जुड़ेगा प्रेतात्माओं के साथ, नीची कोटि की आत्माएं तुम्हें घेरने लगेगी। महावीर अपने शिष्यों से कहते थे एक बात समझने जैसी बात है, वो ऐसा कहते, एक क्षण की अजागृति तुम्हें बहुत गहरी खाई में डाल सकती है। समझना इस बात को, मैं फिर से दोहराता हूं, चाहे उसने पाली भाषा में ये वचन कहा हो अपने शिष्य से लेकिन अर्थ ये था। मैं कह देता हूं सब साधक के लिए जरूरी है ये ज्ञान, जिसने सत्य पाया वो जैन नहीं था या वो ही पूरा जैन था, जिसने सत्य पाया वही जैन। तो सच्चा जैन कौन, तो महावीर, बाकी जैन नहीं, बाकी तो अभ्यास। किसने सत्य पाया, चलो किस जैन ने महावीर की स्थिति पाई, जाओ जरा पृथ्वी पर जैनों से मिलो कि कौन सा जैन महावीर की स्थिति पर पहुंचा।
और जिसने पाया सत्य उसने सब उसके लिए, कोई न हिंदू रहा न मुस्लिम रहा न सिख रहा न ईसाई रहा। परम ज्ञानी के पास अगर कोई भी जाता है तो थोड़ा वो ये देखेगा कि तू मुस्लिम है चला जा, मेरा परम ज्ञान खाली हिंदू के लिए कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे वाड़े ही दिखाते हैं कि तुमने अभी जाना नहीं परमात्मा क्या है, अल्लाह क्या है, तुमने नहीं जाना, इसलिए तो वाड़ा करके बैठा है। तो जो परम ज्ञान को प्राप्त होता है उसका क्या ज्ञान होगा, क्या प्रकाश देगा, वो मनुष्य को ऊपर उठाएगा कि इसमें से बाहर निकलो, ये तुम्हारी ईर्ष्या और तिरस्कार की दीवार है। और क्या है, तुम कहते हो ये भारत पाकिस्तान क्या है, ये दिखाते हैं कि ये तुम्हारी ईर्ष्या तिरस्कार क्रोध। तो जब नृत्य कला का अभ्यास था उसमें चेतना को किस तरह से रचनात्मक शक्तियों के साथ जोड़ा जा सके उसका विज्ञान था, कि इस तरह से अगर संगीत को प्रकट किया जाए, इस तरह से अगर नृत्य को प्रकट किया जाए तो दिव्यात्माओं के साथ नृत्यकार का शरीर जोड़ा जा सकता है। और खाली ये बहिर्गामी नृत्य नहीं था, जैसे ही उसका संपर्क दिव्यात्माओं के साथ हो सकता है तो वही विद्युत उसके शरीर से बहेगी, वही विद्युत शरीर से बहे, चाहे वो अकेले में नृत्य क्यों ना करता, चाहे वो पहाड़ों के बीच जंगल में अकेला नृत्य करता हो तो भी उसके अंदर से उसका शरीर माध्यम हो जाएगा, खाली दरवाजा, और उसके भीतर से विधायत्मक आत्माओं का प्रकाश बाहर निकलेगा। वनस्पति भी वो प्रकाश ले सकती है, प्राणी भी वो प्रकाश ले सकता है, सूक्ष्म जीव भी वो प्रकाश ले सकता है, वो भी गति में आ सकता है उस प्रकाश से। ये दर्शनार्थी का दर्शन था कि इस विधि से मनुष्य को उच्च कोटि के संपर्क में लाया जा सकता है। आज आप देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ठीक से अनुभव से गुजरोगे, आप डिस्को क्लब में जाओगे तो इससे उल्टा हो रहा है कि डिस्को क्लब की, अगर आपको लगेगा कि नृत्य कला ही है तो डिस्को में क्या फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, क्या फर्क है देखना। आप डिस्क जो, मैं तो डिस्को नाम इसलिए दे रहा हूं कि वो उस नाम से मैं परिचित हूं, बाकी आज के नृत्य जो है वेस्टर्न डांस जो भी चल रहे हो उस नृत्य के समुदाय में आप चले जाओ, जहां वो नृत्य चलते हैं वहां चले जाओ, रुको कि किस तरह का वातावरण है, आप जरा देखना, वातावरण सेक्सी होगा, देखना जो वातावरण होगा नृत्य के क्लास का या जहां क्लब का वातावरण होगा, दारू पी जाती होगी, उसका अगर आप वातावरण देखोगे तो सेक्सी वातावरण लगेगा, वो तुम्हारा सेक्स सेंटर प्रभावित होगा। तुम जब दारू पियोगे सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रभावित होगा, सेक्स सेंटर प्रभावित होगा। तो धर्म में अगर मना है, धर्म में धर्म गुरु नाराज हो जाता है तो मैं उसका विज्ञान कहता हूं, मैं नाराज नहीं हूंगा, मैं तुम्हें विज्ञान कहता हूं कि तुम्हारा काम केंद्र प्रभावित हुआ तो तुम पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की और तुम्हारी शक्ति बही, तो शक्ति जब बहती है नीचे तब तुम याद रखो कि जब तुम नीचे कुछ गिराते हो तो वो संपूर्ण नीचे जाएगी, संपूर्ण नीचे। तो वहां है प्रेत लोक, भटकती हुई आत्माओं का लोक, उसके साथ तुम्हारा संबंध बनना शुरू हो जाएगा। अब तुम भारतीय नृत्य के क्लास में जाओ, वो कोई परिचित नहीं इस बात से, मैं उसे भी ये बात से परिचित करना इसलिए चाहता हूं कि ऐसे नृत्यकार है जो हृदय से नृत्य सीखते हैं आज पृथ्वी पर। मैं यहां बैठे बैठे जान सकता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिसके भीतर नृत्य पड़ा है लेकिन बाहर निकलने का चांस नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं मार्ग कर रहा हूं कि ये तो बहुत दिव्य कला है, आप परिचित होते जाओ, आप अनेक लोगों को मदद कर सकते हो इससे। और आप भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य चल रहे और खास करके कथक की, तो अभी अभी थोड़ा नीचे गिर गया कथक, लेकिन आप और कथक भी, वैसे भी आप नृत्य वर्ग में जाओगे आप दिव्यता पाओगे। आप जब उसका तोड़ा चल रहा है, उसका रियाज चल रहा है, आप देखना वातावरण कैसा है। आप कभी जाके भरतनाट्यम के क्लास में बैठना जहां प्रैक्टिस हो रही है, उड़ीसी के क्लास में जाकर अगर आपको चांस मिले ये मत छोड़ना। मैं कहता हूं कि भारत जो आते हैं बाहर से, और तुम भारत में ही जन्मे हो तो भी तुम्हें पता नहीं, मैं वो राज कहता हूं, तुम चले जाओ जहां भरतनाट्यम का कोई प्रैक्टिस हो रहा है, प्रोग्राम की प्रैक्टिस हो रही है, भरतनाट्यम का प्रोग्राम है, उड़ीसी का प्रोग्राम है, कुचिपुड़ी का प्रोग्राम है, और तुम साधना की दिशा में जा रहे हो, तुम्हें चांस मिले ये चांस मत खोना। तुम जाके बैठ जाओ, कुछ मत करना, अगर वो तुम्हें परमिशन दे दे तुम जाके बैठ जाओ कि कैसा वातावरण, तुम देखोगे वो कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी, एक भी रहस्य जानते नहीं, वो तो लौकिक कला कर रहे हैं, उसे कोई पता नहीं कि ये कितनी दिव्य कला है।
तुम्हारा संबंध किससे बरतता है तुम्हें पता नहीं। जब तुम नृत्य कला देखते हो, खाली दर्शन करते हो, शास्त्रीय नृत्य तुम दर्शन करते हो, शास्त्रीय नृत्य तुम श्रवण करते हो, तुम पता नहीं क्या तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हारा हृदय चक्र उसका सबसे बेज है, वो हृदय चक्र, हृदय चक्र से तो प्रारंभ होता है। तुम सोचो वेस्टर्न म्यूजिक का संबंध है सेक्स सेंटर। आप अपनी तरफ से ये बात जाके देखो कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं या तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा रहा हूं, तुम दोनों, या मैं तुम्हारे भीतर दीवार पैदा कर रहा हूं कि ये वेस्टर्न डांस है, इंडियन डांस ना, मैं तुम्हारे भीतर दीवार पैदा नहीं कर रहा, मैं तो वेस्टर्न डांसर्स को गाइडेंस दे रहा हूं कि तुम ठीक से डांस करोगे, तुम्हारा, तुम्हारी जो शक्ति है वो काम के अंदर छोड़ के हृदय चक्र पर जाएगी। और हो रहा है, देखो आप ठीक से देखो, वेस्टर्नर, वेस्टर्न डांसर बन रहे हैं भारत के नृत्य सीखने के लिए, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, फॉरेन में भरतनाट्यम के क्लासेस रिच होते जा रहे हैं भारत में, पश्चिम के देशों में। देखो आप क्या कारण है, वो डांस करके करते उसका जो काम केंद्र की शक्ति है छू रही है, अब भाव केंद्र को छू रही है, भाव केंद्र जग रहा है, उसका शक्ति ऊपर उठ रही, तो वो पसंद करते हैं कि हम भरतनाट्यम सीखे, हम कुचिपुड़ी सीखे, हम मोहिनी अट्टम सीखे। क्या कारण है, भारत चूक रहा है, भारत जहां दिव्य कला है ये प्रकट है, तुम चूक रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तुम जा रहे हो साइकेट्रिस्ट के पास और तुम नृत्य की कला चूक रहे हो जो तुम्हारे भारत में हुई, तुम जहां, तुमने जहां जन्म लिया, तुम मंदिर घूमते हो, मस्जिद घूमते हो, सब जगह घूमते हो, और तुम अगर समझ लो कि तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें इस बात से परिचित होना ही चाहिए कि अगर तुम्हें मंदिर तुम गए हो तो मंदिर का संबंध है नृत्य कला के साथ, मंदिर का संबंध है सारी कलाओं के साथ। तो तुम कभी हिंदू होकर कभी तुम भरतनाट्यम के क्लास में गए देखने के लिए कि कैसे कैसे क्लास है आज पृथ्वी पर, भारत में कैसे कैसे क्लास है, खाली तुम जाओ कि तुम क्लास में एंटर हो, कैसा वातावरण होता है कि वो लोग अभी कुछ भी परिचित नहीं। मैं कहता हूं 1% काम हो रहा है आज क्लासिकल डांस में, जो काम हो रहा है 1% हो रहा है, 99% तो अभी दबा पड़ा। ये जो मेरी पीड़ा है वो ये पीड़ा है जो बोल बोल मैं कर रहा हूं, ये बोल बोल कर रहा हूं कि ये कला है जो मनुष्य को ऊपर उठा सकती। तो हम ऐसे नृत्य की ओर भागे जा रहे, ऐसे नृत्य की ओर भागे जा रहे जो तुम्हें निकृष्ट योनि की आत्माओं जो है उसकी ओर ले जा रहे। तुम देखो आज का कल्चर, तुम्हें अगर ठीक से देखना हो कि आज का कल्चर क्या है, आज की संस्कृति ऐसी है, समझो आज मल्टी कल्चरल है जगत। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं हिंदू, नहीं कह सकते, क्योंकि आज सारी तरंगे, और वही अच्छा है क्योंकि हम सब मिलकर ही रहना है, एक ही पृथ्वी पर आए हैं, और हम ऐसा करते करते और जीवन भर लड़ते लड़ते जाएंगे हम कि एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर हंसते नाचते गाए ते ये पृथ्वी छोड़ेंगे, ये मेरा दृष्टिकोण। तो आज ये पृथ्वी पर मल्टीकल्चरल हो रहा है, आप प्योर कल्चर अब संभव ही नहीं, कोई कहे मैं प्योर मुस्लिम, संभव नहीं, आप कितना ही लड़ाई झगड़े करो नहीं होगा, क्योंकि मल्टीकल्चरल की ओर जा रही है दुनिया। तुम कहते हो मैं प्योर हिंदू, नहीं हो सकता, क्योंकि अब मल्टीकल्चरल को ही आज के युवान को, बच्चों को, साधकों को जो सत्य की दिशा में जा रहे हैं, जिसके पास समझ है, जो जड़ता से ऊपर जा रहे, उसको मैं दृष्टिकोण दे रहा हूं कि मल्टीकल्चरल है आज का जगत, तो उसमें बहुत सी संस्कृतियां के प्रभाव में हम आते जा रहे। तो हमें यह देखना है कि कौन सी, और सब संस्कृति की अपना चढ़ाव भी है, उतराव भी है। अमेरिका से सीखना है तो क्या सीखना है, और अमेरिका को सिखाना है तो क्या सिखाना है। अमेरिका से अगर सीखना है तो अगर उसकी स्वच्छता अच्छी है तो वो सीखना है कि किस तरह से स्वच्छ रहते हैं, लेकिन ये भी मैं बहुत नहीं कहूंगा, क्योंकि अमेरिकनों का जो मुझे भय लगता है, जो फॉरेनर का, वो मुझे डर ये लगता है कि वो लेटरिन जाने के बाद पानी से नहीं धोते, और मैं जड़ महाराज, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ना तुम स्वच्छता भले सीखो, लेकिन ये तो भारत का भारत में चालू ही रखना। उस पेड़ का कुछ नाम होता है कि वो कागज से लुचते हैं लेटरिन जाने के बाद, वो नहीं करना, यहां पानी काफी है, राजस्थान में भी इतना पानी तो है ही कि हमें इस काम के लिए कागड़ की जरूरत नहीं। ये डर लगता है मुझे जब कोई भी फॉरेनर आता है तो मेरे भीतर जो, मैं कहां मेरा भय अटका है, मैं तुम्हें कह दूं। तो हमें ये सीखना है, कोई भी व्यक्ति के पास सीखना है तो ये सीखना है कि इसमें क्या गुण है कि जिससे मेरा जीवन ऊपर उठ सके, और कौन सा दुर्गुण है। अगर तुम अमेरिका के पास से तुम ड्रग्स सीखोगे, तुम साइकियाट्री, हां
तुम अमेरिकन होने ही निकले हो तो ठीक है, तो तुम्हें साइकेट्रिस्ट तुम्हें साझा कर सकता है, गोलियां दे देके तुम्हें ठीक कर सक, लेकिन तुम भारत में रहते हुए इतनी कलाएं और नृत्य कला मनुष्य की अंतिम कला, और भारत में तो ये प्रकट जो हुई उसका संबंध ही दिव्यात्माओं के साथ। आज भी मैं कहता हूं, चलो आज भी, कि जो लोग कुछ जानते नहीं खाली नृत्य सीखते हैं, वो भी मैं कहता हूं कि नृत्य सीखने की जो प्रेरणा है कि तुम्हें भरतनाट्यम सीखना है, ये प्रेरणा ही बताती है कि तुम्हारा संबंध दिव्य लोक से हो रहा है, दिव्यात्माओं के साथ हो रहा है। भरतनाट्यम जाके देखो क्या है, सारी प्रार्थना है, न्यूट्रल। प्रार्थना का अर्थ कोई मांग नहीं है, न्यूट्रल प्रार्थना का इतना ही अर्थ है। ऐसा संगीत कि जो तुम्हारे भीतर की आत्मा की शक्ति को जगा दे, सुनकर भी और नृत्य करके भी। और समझ लो वेस्टर्न डांस है, अब जाके देखो उसका सब वेस्टर्न म्यूजिक है, वो काम केंद्र प्रभावित करेगा। तो उस समुदाय में अगर आप जाओगे, आप तो खाली प्रोग्राम देखते हो, कभी आपने ये देखा है कि ये कलाकार का पर्दे के पीछे क्या जीवन है? ये तो बंद है। लेकिन आप जब उन लोगों के साथ रहोगे, आप देख पाओगे कोई ऊंचाई नहीं, जीवन की कोई ऊंचाई नहीं। वो गाने आता है शराब पीकर गान, और आज तो शराब भी नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं आ सकता कि कौन सा ड्रग्स का इंजेक्शन लेकर वो आता है। जो जानते हैं वो सब जानते, वो मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे कि ठीक बात, कि ये जब गाने आता है पॉप, तुम जिसकी नकल करते हो कि पॉप म्यूजिशियन जैसे बाल रखते हो, उसका जैसे जीने का ढंग करते हो, उसके जैसी गर्लफ्रेंड खोजने का प्रयत्न करते हो, उसके जैसा ही जीवन जीने का ढंग तुम जीते जा रहे हो, जरूर जियो, लेकिन साथ में मेरी भी बात की ओर ध्यान दो। तुम उसका पूरा जीवन देखो, चल तुम पूरा जीवन क्या घट रहा है उसके साथ, कैसा जीवन है, पर्दे के पीछे क्या जीवन है सबका, सब आर्टिस्ट का क्या जीवन है, वेस्टर्न डांसर म्यूजिशियन का क्या जीवन, ड्रग्स पर आधारित है सारा जीवन, उसकी कलाएं तुम सीख रहे हो। और एक कला कि जो तुम्हें ऊपर उठा रही है बिना कोई ड्रग्स के, भारत का शिक्षण क्या था, परमानंद तुम स्वयं लेकर आए हो, तुम परमानंद के अधिकारी हो, प्रत्येक जीव परमानंद का अधिकारी, ये भारत के शिक्षण का हेतु था कि तुम स्वयं कोई, तुम सन्यासी क्या था, सन्यासी के पास कुछ भी नहीं, राजा ईर्ष्या होती थी कि मेरे पास इतना बड़ा राजमहल, जब वो सन्यासी को देखता था नंगा जा रहा है, ऐसा नहीं कि महावीर के सन्यासी नंगे घूमे, शिव के सन्यासी नंगे थे, कुछ नहीं रखते थे, न आगे हाथ न पीछे हाथ, रक्षा क्या करे गोरखनाथ, तो वो देखता था राजा की, मैं तो इतनी रानियां इतना मेरा धन, तो भी लगता है कि साला बाजू का जो राजा है वो मेरा जीत जाएगा तो मेरा होगा क्या, अभी धन कम पड़ रहा है, बाजू वाला राजा के पास और राजमहल बढ़ा। और जब वो सन्यासी को देखता था कुछ भी नहीं, फिर भी वो सीटी बजाता जा रहा है, ओम नमः शिवाय करता जा रहा है, अपनी धुन में दौड़ता नाचता कूदता जा, ये भारत। शांति शांति शांति। हम सब हमारे भीतर शांति का अनुभव करते रहे, हम सब हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे, सर्वत्र सदा हम सब परम शांति का अनुभव करते रहे। मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ, मेरा वंदन स्वीकार करें, अस्तु।